डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। आमिर खान क्या कर रहे हैं साउथ एक्टर्स के साथ? क्या फिल्म के प्रमोशन के लिए आमिर ने मिलाया साउथ एक्टर्स का हाथ? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाल सिंह चड्ढा से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म के प्रमोशन के चलते आमिर खान किस हद तक चले गए, इन सभी बातों को होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। RRR स्टारर रामचरण ने हाल ही में सलमान खान को अपने हैदराबाद वाले घर पर इनवाइट किया था। उनकी पिक्चर सोशल मीडिया पर छा गई थी। पोस्ट में सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े और वेंकटेश दुग्गुबाति भी थे। अब इस मामले में आमिर खान भले कैसे पीछे रहेंगे, तो बस कुछ दिनों बाद रामचरण के घर पर लाल सिंह चड्ढा स्टारर आमिर खान भी पहुंचे। रामचरण की पत्नी उपासना कोरीजेला ने आमिर को अपने घर पर खास वेलकम किया। तस्वीर में तीनों खड़े होकर पोज दे रहे हैं। आमिर इस वक्त पर लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी बिजी है। ऐसी खबर है कि वह लाल सिंह चड्ढा के VFX के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचे थे। रामचरण और उपासना को जब पता चला कि आमिर शहर में है तो उन्होंने उनको डिनर पर बुला लिया। रामचरण की पत्नी ने सलमान और आमिर के साथ दो अलग अलग तस्वीरें पोस्ट की और बताया कि उन्होंने डिनर को बहुत एंजॉय किया। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने भी अपने इंस्टाग्राम पर आमिर के साथ एक फोटो पोस्ट की। संयोग से उनकी मुलाकात वहीं हो गई। दरअसल अमिताभ बच्चन को प्रोजेक्ट ए फिल्म मेकर्स के ऑफिशियल लॉन्च पर हैदराबाद में थे। उनके साथ नानी गलकीरा सलमान और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील भी उस इवेंट का हिस्सा बने। इवेंट खत्म होने के बाद अमिताभ अपनी कार से निकल ही रहे थे जहां आमिर से मुलाकात हो गई। बिग बी ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, और जैसे ही मैं निकलने वाला था मेरी कार की खिड़की पर आमिर ने दस्तक दे दिया। आपको बता दें कि हाल ही में आमिर खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का गाना फिर नई ऐसी रात आएगी रिलीज कर दिया है। इसे लॉन्च करते हुए आमिर की मुलाकात सोशल मीडिया स्टार से हुई, जिसमें से एक एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी है। इस दौरान उन्होंने लेडी स्टार से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवाल जवाब किए। उन्होंने खुलकर जवाब भी दिया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आमिर फिल्म की प्रमोशन को लेकर कितने एनर्जेटिक वे में काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रमोशन के लिए सारी हदें पार कर दी है। सबसे मिलना जुलना, बातें करना, बड़े बड़े सेलेब्स के साथ पोस्ट पर दिखना, क्या ये सब आमिर की प्रमोशन ट्रिक है? आमिर अपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा को हिट करके ही छोड़ेंगे? आप सबका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ घंटे का सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सोनिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय।